यदि आप भी अपने जीवन में जीतना चाहते हैं, तो एक बार एक बंदर और खरगोश की कहानी को ठीक से समझ लो। आप अपने जीवन में कामयाब अवश्य हो जाओगे। नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के आ गया हूँ, तो कहानी को पूरा ही सुने। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आपने इस कहानी को क्लिक कर दिया है, आपने यदि इस कहानी आ चुके हैं यदि आप इस कहानी पर, तो कहानी को पूरा ही सुने, आधी अधूरी छोड़कर ना जाएं, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए हमेशा हानिकारक साबित होता है। तो दर्शकों, बने रहिए कहानी में अंत तक, क्योंकि यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद साबित होने वाली है। दर्शकों, मगर उससे पहले मेरा आपसे एक वही छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी पसंद आए तो लाइक करें और भी लोगों तक शेयर करें। कमेंट में राधे कृष्णा अवश्य लिखें। दर्शकों, कीमती समय आपका बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत ज्यादा शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थी, जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया, क्योंकि उसे जानवर पालने का तो शौक था ही। तो उसने एक दिन एक बंदर को पाल लिया और उसी के कुछ दिनों बाद एक खरगोश को भी पाल लिया। वह दोनों उसके घर में पड़ने लगे। दस को अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा, उनकी अजमाइश करने का सोचा, उन्हें उनकी परीक्षा लेने का सोचा। दर्शक बंधु, उस किसान ने अपने खेत में जाकर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया, और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था, उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा था। मेरे साथियों, उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर यह सोचकर उनमें जाकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। मेरे दोस्तों, अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था, जिसके ऊपर वह बंदर सो रहा था। मेरे दोस्तों, अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से हटने के लिए कहता है, अरे बंदर भाई, कृपया इस गड्ढे पर से हट जाएं, मैं इस गड्ढे में और ढूंढ लूं। दर्शकों, बंदर उस गड्ढे पर से उठता है तो खरगोश गड्ढा खोदकर झटपट से वह गाजर को बाहर निकाल लेता है, मेरे दोस्तों, और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, इतनी देर से लेटा हुआ था, गाजर उसी के अंदर थी। वह सिर्फ एक बार खोदकर देख तो लेता तो गाजर उसे अवश्य मिल जाती। दर्शकों, और वह मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए पर पछता रहा था। साथियों, इस कहानी से हमें तीन बहुत बड़ी सीख मिलती है।
यह सीखें। पहली यह है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किस गड्ढे में है, इतने गड्ढों को मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा। यह सोचकर उनमें से वह एक गड्ढे के ऊपर सो गया। दर्शकों, पता नहीं यही सोचकर उसने उस काम को अपने लिए बड़ा बना लिया। और दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि इस कहानी से हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वो बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहां से गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती और वह अपनी मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। मेरे साथियों, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेगी। वह 2025 हो सकती है, 2026 हो सकती है, 2030 हो सकती है, या फिर 2032 हो सकती है मेरे दर्शकों। लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे मेरे दोस्तों, और हार नहीं मानेंगे। दर्शक बंधुओं, यह थी छोटी सी कहानी। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। इस कहानी में एक सीख नहीं बल्कि तीन तीन सीखें मिलती हैं। इस कहानी को यदि हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं, यदि हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो हम अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं और हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। यदि हम आलस करेंगे उस बंदर की तरह, तो हम जीवन हमारा ऐसे ही कट जाएगा और हमें अभी तो इतना वो नहीं लगेगा, मगर जब हमारे ऊपर बुढ़ापा होगा तब हमें इस बात का रियलाइज होगा, इस बात का हमें पश्चाताप होगा। तो दर्शक बंधु, यह थी छोटी सी कहानी जो एक खरगोश और बंदर की थी। खरगोश ने तो मेहनत करके अपनी मालिक की नजरों में बड़ा बन गया, उसने सारे गड्ढे खोद डाले और उस बंदर वाले गड्ढे में गाजर मिल गई। मगर वह बंदर लालच करके सो गया, आलस्य करके सो गया और उसने एक भी गड्ढा नहीं ढूंढा। यदि वह अपने नीचे वाले गड्ढे को भी खोद लेता तो आज वह अपने मालिक की नजरों में बहुत बड़ा बन जाता। दर्शकों, इसीलिए कामयाबी हमारे आसपास ही है। यदि हम थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो हमें कामयाबी अवश्य मिल जाएगी। हमें यह नहीं सोचना है कि हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी कौन यह मेहनत करेगा, कौन ये सब करेगा। यह यदि हम नेगेटिव विचार अपने जीवन में लाएंगे तो हमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। यदि हम पॉजिटिव विचारों के साथ मेहनत करेंगे तो हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह बंदर और खरगोश की कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। दर्शक बंधु, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।